बड़ी खबर आ रही है शाजापुर से, जहां मोहर्रम के जुलूस में सांड घुस गए हैं। जी हां, 4 से 5 सांड लड़ते हुए मोहर्रम के जुलूस में जा घुसे हैं। जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई है। भगदड़ में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। मशक्कत के बाद सांड के जुलूस से निकाला गया है। जी हां, आपको बता दें शाजापुर से खबर है, जहां मोहर्रम के जुलूस के दौरान 4 से 5 सांड घुस गए हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे शाजापुर से दीपक सक्सेना, ग्रुप एडिटर। बताए दीपक, क्या है पूरा मामला? बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज अपना त्योहार मना रहे हैं और इसी बीच 4 से 5 सांडों का घुस जाना, क्या कोई सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी? निश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक बड़ी चूक है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में इस तरह से सांडों का वहां घुसना, क्योंकि जिस तरह से खबर मतलब जो तस्वीरें दिखा रहा है वाकई विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जो जुलूस में शामिल लोग थे उन लोगों ने और साथ में पुलिस कर्मी वहां तैनात थे उन लोगों ने इन सांडों को बाहर निकाला। हालांकि जो जिस तरह की भगदड़ हम तस्वीरों में देख रहे हैं उसमें निश्चित 4 से 5 लोगों को मामूली चोटें आई है। निश्चित एक बड़ा हादसा हो सकता था। मैं आपको पेरेंट्स से बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश के अनुदान पर जो गौशालाएं चल रही, वो गौशालाएं तो खाली है लेकिन समस्त गोवंश जो है अभी वर्तमान में बारिश के समय सड़कों पर आए दिन हम कई तरह के हादसे गायों और मवेशी सांडों की वजह से देखते आ रहे हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन अभी तक कोई इस मामले में पहल नहीं कर रहा है, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्योंकि एक नगर पालिका का दायित्व है। क्योंकि शाजापुर में मोहर्रम पर बड़ा एक उल्लासपूर्वक मनाया जाता है जिसमें काफी भीड़ होती है। इतनी बड़ी भीड़ में इस तरह से सांडों का घुसना निश्चित एक बड़ी लापरवाही हम मान सकते हैं, क्योंकि पर्व को लेकर कई तरह की तैयारियों के भी दावे प्रशासन भी करता है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी किसी प्रकार से आश्वस्त आम जनता को करते हैं कि उनके परिवार उनके पर्व में किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आना शाजापुर के लिए एक बेहद दुखद का विषय है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह से सांड तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं, उससे निश्चित एक गंभीर हादसा हो सकता था। हालांकि जो जुलूस में शामिल लोग थे और साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी जो वहां खड़े थे, उनकी सजगता से सांडों को भगाया गया और इस गंभीर हादसे को रोका गया है। प्रियांशी जी, दीपक, बड़े विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि सांडों का इस तरह से वहां पर जो मौजूद पर अटैक करना बड़ी घटना हो सकती थी। तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? क्या सांडों को अभी वहां खुला छोड़ा गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियांशी, शाजापुर जिले में कई बार कई तरह के शायद सड़क दुर्घटनाएं कई भी गंभीर हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन तत्काल में एक छोटी मोटी एक्शन लेकर फिर गंभीर घटनाओं से कोई सबक नहीं लेता। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मध्य प्रदेश का एक बड़े अनुदान पर शाजापुर में गौशालाएं संचालित हो रही, तो उन गौशालाओं को जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य जो राजनीतिक के लोग हैं उन लोगों को गौशालाओं में जाकर झांकना चाहिए कि क्या वास्तव में जो आवारा मवेशी है उनका की सही जगह ये गौशाला है। क्योंकि अगर सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर रही है, सरकार अपना बजट काफी खर्च भी इन आवारा मवेशियों के ऊपर गौशाला के नाम पे कर रहे हैं, तो फिर आखिर कौन है जो प्रशासन को चूना लगा रहा है, कौन है जो सरकार को चूना लगा रहा है? आवारा मवेशियों का और खुले सांडों का इस तरह से सड़क पर लड़ाई करना और इस तरह से लोगों को गंभीर रूप से घायल करना प्रशासन के गाल पर एक बड़ा तमाचा है। शायद शाजापुर प्रशासन इस गंभीर हादसे से कोई सबक सीख सके, ताकि इस तरह से, क्योंकि अभी मोहर्रम पर्व आगे और भी चलना है, साथ में आने वाले समय में और भी कई हिंदू धर्म के भी त्योहार आना है जिसमें कई तरह के उन्मा जो उल्लास लोगों को भारी भीड़ के रूप में हम देख सकते हैं, जिस तरह से शाही सवारी या सोमवार की सवारी भी शाजापुर जिले में व्यापक तौर पर निकाली जाती है, ऐसे में आवारा मवेशियों का जमघट कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो तैयारियां हैं उनका माखन उड़ा रहे हैं। प्रयान से जी, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की गलती इसमें बताई जा रही है, प्रशासन को इस सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। जी हाँ, जानकारी लिए आपका बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपको बता दें कि खबर शाजापुर से थी, जहां मोहर्रम में जुलूस में 4 से 5 सांड लड़ते हुए घुस गए हैं। जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई है और भगदड़ में कई लोगों को मामूली चोट आई है। मशक्कत के बाद सांड के जुलूस से बाहर निकाला गया है।